हाय गाइस, मैं हूं सबराज। आप देख रहे हैं सबराज लाइफस्टाइल। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग टू माय टुडेज वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं वरुण धवन के बारे में, वरुण धवन के फैशन सीक्रेट्स के बारे में और वरुण धवन के पर्सनल स्टाइल के बारे में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वरुण धवन पास्ट कुछ ईयर्स के अंदर इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों के एक फैशन आइकन, स्टाइल आइकन बन चुके हैं। बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं फैशन और स्टाइल के लिए। जब से वो आए थे फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जो पहली पिक्चर थी उनकी, तब से ही वो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश हैं और इसी वजह से बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं फैशन और स्टाइल के लिए। तो वरुण धवन की स्टाइल और फैशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने हैं तो मुझे बताओ और किस पे देखने हैं वो भी बता देना। तो सबसे पहले बात करते हुए वरुण धवन की बॉडी के बारे में, तो वरुण धवन की बॉडी बहुत अच्छी है। उन्होंने बॉडी बहुत अच्छी सी बिल्ड की हुई है स्टार्ट में से ही। जैसे जब वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर के अंदर आए थे तब बहुत अच्छा लुक था उनका, बॉडी उनकी तभी बहुत अच्छी थी, काफ़ी लीन फिजिक था। लेकिन उसके बाद ओवर द पास्ट ईयर्स उन्होंने बॉडी और अच्छी बनाई है। अपने फिजिक पे वो कंटिन्यूसली वर्क करते हैं। उनको आराम से 7-8 साल तो हो ही गए होंगे, इससे भी ज़्यादा साल हो गए होंगे अपनी फिजिक पे वर्क करते हुए और डांसिंग करते हुए। जिस वजह से उनका फिजिक लीन है, एस्थेटिक है और एक अच्छा फिजिक है। तो फिजिक पे ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप भी बॉडी बनाओ या ऐसा कुछ। अगर आप बहुत मोटे हो तो फिर अपने आप को पतला करने की ट्राई कर सकते हो, थोड़ा फिजिक पे वर्क कर सकते हो ना। हमें वैसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे जैसे वरुण धवन को मिलते हैं। जैसी वरुण धवन की बॉडी है वैसी हमारे लिए बनाना एक काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि एक उन्होंने बहुत सालों की मेहनत की होती है, बहुत सालों की मेहनत लगती है और हम वही 1-2 साल के अंदर नहीं पा सकते। और ऊपर से वो सालों के अंदर उनके पास पर्सनल डाइटिशियंस होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो उनके साथ काम करते हैं, जो उनके पर्सनल ट्रेनर्स और सब, और वो लोग बहुत सारा कुछ अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। तो वैसा रिजल्ट तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी बॉडी पे ओवर टाइम हम भी थोड़ा वर्क तो कर ही सकते हैं। बॉडी की बात साइड पे करते हुए अब बात करते हैं उनके हेयर के बारे में। तो उनके बाल, वो उनके पूरे फैशन ही अगर आप देख लो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते, वो अपनी चीज़ों को बेसिक रखते हैं और उसके अंदर ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ट्राई करते हैं। तो उनके बाल जो हैं उन्होंने लंबे किए हैं, थोड़े लंबे भी किए हैं उनके कुछ मूवी के अंदर रोल्स के अंदर, जैसे कि अभी उन्होंने कलंक की थी तो उसके अंदर उन्होंने बाल लंबे किए थे। लेकिन बाल कभी भी कलर नहीं किए, कोई भी ऐसे ड्रास्टिक कलर चेंज के लिए नहीं गए हैं। उन्होंने बालों को वही अपने जो जैसे हैं वैसे ही ब्लैक प्लेन रखा है, कुछ खास कलर में चेंजेस नहीं किए हैं अपने बालों के साथ, बहुत ज़्यादा प्ले नहीं करते अपने कलर्स के साथ, जैसे हैं बस वैसे स्टॉक उनके ब्लैक बाल ही रहे हैं। सिर्फ अपनी लेंथ के साथ उन्होंने ऊपर नीचे किया है और ज़्यादा उन्होंने कुछ भी डिफरेंस नहीं किया अपने बालों के अंदर। तो इससे आप यू भी ले सकते हो कि आप भी जो एक अच्छा हेयर स्टाइल अगर आपको पता चल जाए आपके लिए है, उस पर आप स्टिक रहो। जैसे वो स्टिक रहते हैं बॉम्बर्डर्स और क्विप्स पे, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना पसंद नहीं करते, अपनी साइड को बहुत ज़्यादा ग्रो करना भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते और हेयर कलर कराना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और उनके बालों के साथ बात करते हुए उनकी बियर्ड की, तो उनको जब वो स्टार्ट में आए थे स्टूडेंट ऑफ द ईयर के अंदर तब तो उनके पास बियर्ड नहीं थी, लेकिन बदलापुर के बाद से जो है बियर्ड के अंदर भी हमने उनको काफ़ी ज़्यादा देखा है और बियर्ड के अंदर बदलापुर के अंदर तो बहुत बढ़िया लग रहे थे। नाउ बियर्ड अब जिसकी आती है वो रख सकता है, जिसकी मेरी तरह नहीं आती है वो क्लीन शेवन रहे वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उनकी बियर्ड भी देखें तो बियर्ड हमेशा शेव्ड मतलब ट्रिम्ड रहती है, बहुत ज़्यादा कभी भी ओवरग्रोन नहीं लगती है। तो अगर आप भी बियर्ड रखते हो तो उनकी तरह जो है ट्रिम्ड रख सकते हो, बहुत ज़्यादा ग्रो मत करो। और ऐसे कहीं से भी पैची बियर्ड भी अगर आ रही है तो क्लीन शेप भी रह सकते हो, अच्छे लगोगे। नाउ थर्ड चीज़ के बारे में बात करते हुए वो है उनके क्लोथ्स। उनके क्लोथ्स अच्छे मतलब बेसिक चीज़ें ही पहनते, अगर आप देखोगे सूट्स देखोगे उनके बहुत ज़्यादा जैसे रणवीर सिंह जैसे चेंज करते रहते हैं और हर चीज़ पहनने की ट्राई करते हैं, वैसा कुछ नहीं करते। और कपड़ों के अंदर भी बात करें तो सूट्स उन्होंने ब्लैक सूट बहुत अच्छे से पुल ऑफ कर सकते हैं, उनको ये पता है, तो इसलिए ब्लैक सूट बहुत बार पहनते हैं। तो इससे आप ये ट्रिक ले सकते हो कि आप भी ब्लैक सूट अगर आप पे अच्छा लगता है तो ब्लैक सूट पहनो, बहुत ज़्यादा प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा चांसेस उठाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट उनके बारे में जो बहुत अच्छी बात है वो उनकी डेनिम जैकेट्स। डेनिम जैकेट्स बहुत ज़्यादा पहनते हैं और डेनिम का स्टफ बहुत ज़्यादा पहनते हैं, जीन्स भी बहुत ज़्यादा पहनते हैं और डेनिम जैकेट्स, डेनिम शर्ट्स बहुत ज़्यादा पहनते हैं। और डेनिम शर्ट, डेनिम जैकेट एक क्लासिक पीस है जो सब पे अच्छा लगता है। तो ये भी एक चीज़ है जो आप उनको देख के समझ सकते हो, सीख सकते हो कि डेनिम्स पहनना और डेनिम्स को पेयर बहुत अच्छे से करते हैं वो, तो वो भी आप अच्छे से सीख सकते हो उनको देख के। और अब बात करते हुए लेदर जैकेट्स की, लेदर जैकेट को भी बहुत अच्छे से पुल ऑफ कर सकता है कोई भी, एक क्लासिक पीस होता है और वैसे ही वो भी लेदर जैकेट को अच्छे से पुल ऑफ करते हैं ना। लेदर जैकेट के साथ भी वो बहुत ज़्यादा प्ले नहीं करते, प्लेन रखते हैं, सिंपल रखते हैं, सोबर रखते हैं,
सटल डिफरेंसेस होते हैं और उसके अंदर ही वो अपने आप को ज़्यादा फैशनेबल और स्टाइलिश दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं करते हैं। तो ये भी है जो आप उनकी तरफ से सीख सकते हो कि कैसे आप भी एक सटल और एकदम सिंपल एक क्लासिक चीज़ पहन के अच्छे लग सकते हो। और अब बात करते हैं उनके शूज़ के बारे में, तो उनको स्नीकर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप उनको फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पर भी तो आपको ये बात पता होगी। तो स्नीकर्स वो ज़्यादातर वाइट स्नीकर्स बहुत पहनते हुए दिखते हैं, और वाइट स्नीकर्स अभी एक तो ट्रेंड में भी हैं और एक बहुत क्लासिक पीस है, कोई भी आराम से पहन सकता है, किसी भी आउटफिट साथ आराम से चले जाते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती पेयर करने के अंदर भी। तो इसलिए ये भी आप उनमें से सीख सकते हो कि वाइट स्नीकर्स को कैसे आप पेयर करो, और वाइट स्नीकर्स को आप किसी के साथ भी आराम से पुल ऑफ कर सकते हो, और वाइट स्नीकर्स कितना एक क्लासिक पीस है। और वाइट स्नीकर्स की बात साइड रखें तो एथलीटर स्नीकर्स और ये सब भी वो काफ़ी ज़्यादा पहनते हैं, लेकिन जितना वाइट स्नीकर पहनते हैं उतना तो कोई भी और स्नीकर वो नहीं पहनते हैं। और जो भी वो पहनते हैं बहुत ज़्यादा सटल होते हैं, ऐसा नहीं जैसे रणवीर सिंह कुछ भी कलर्ड वाला पहन ले, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत कलर्ड स्नीकर्स पहनते हैं, जैसे दिलजीत दोसांझ भी बहुत ज़्यादा कलर्ड स्नीकर्स, जैसे बैलेंसियागा ट्रिपल एस ऐसे स्नीकर्स पहनते हैं, लेकिन वरुण धवन प्लेन सिंपल रखते हैं, बहुत ज़्यादा स्नीकर्स के साथ ज़्यादातर नहीं दिखते वो प्ले करते हुए, या फिर अलग अलग स्नीकर्स को पहनते दिखते नहीं हैं उनको, मोस्टली प्लेन सटल चीज़ रहती है और वही वो आराम से पुल ऑफ कर पाते हैं, इसलिए ये उनको बात पता है, इसलिए ज़्यादा सोचते नहीं हैं और वही पहनते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हुए वो है एसेसरीज। वरुण धवन बहुत ज़्यादा प्ले नहीं करते एसेसरीज के साथ भी, जैसा मैंने कहा वो अपनी चीज़ों को बेसिक रखते हैं और उनके अंदर वो क्या अलग अलग चीज़ अलग अलग वेरिएशन कर सकते हैं वो देखते हैं। जैसे सर इसके अंदर वो मोस्टली वॉच पहने हुए दिखते हैं, ना ब्रेसलेट बहुत ज़्यादा या फिर रिंग्स हो ये सब नहीं, वॉच दिखती है उन पर, क्लासिक वॉच रहेगी, मोस्टली वॉच पहने रहते हैं। तो आप ये सीख सकते हो कि कैसे आप एक क्लासिक वॉच के साथ भी एक सिंपल एसेसरीज के साथ भी आप अच्छे लग सकते हो। और वॉच के साथ दूसरी एसेसरी जो वो यूज़ करते हैं वो है ग्लासेस फ्रेम्स, और वो भी बहुत अच्छे से वो एकदम क्लासिक पीस पहनते हैं। जैसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो बहुत बड़े बड़े फ्रेम्स पहनते हैं, अलग डिफरेंट फ्रेम्स पहनते हैं, सब कुछ नहीं करते, एकदम क्लासिक सिंपल पीस होता है उनका, एक अच्छा फ्रेम होता है और वही वो आराम से पुल करते हैं, उसे पहनते हैं और उसके अंदर ही बहुत ज़्यादा स्टाइलिश और फैशनेबल लगते हैं। उनकी अगर आप जेनेटिक्स की बात करें तो उनके जेनेटिक्स अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे जेनेटिक्स हैं, उनकी जॉ लाइन उनकी अच्छी है और उनकी बॉडी भी अच्छी है, उनका हेयर कलर एकदम डार्क ब्लैक है, उनका फेस कलर लाइट है, लाइट कॉम्प्लेक्शन है, तो वो उस हिसाब से ही फ्रेम्स पहनते हैं, उस हिसाब से ही कपड़े पहनते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते नहीं हैं, सिर्फ बेसिक चीज़ों के अंदर क्या वेरिएशन कर सकते हैं वो बस यही देखते हैं ज़्यादातर। कभी कभी जब GQ मैगजीन्स के अंदर अगर आप उनकी फ़ोटोज़ देखो तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो थोड़ा सा हटके चीज़ पहनते हैं, बट अगर आप उनका कोई आईफा अवार्ड के अंदर जब वो आते हैं या फिर ऐसा कुछ हो तो काफ़ी ज़्यादा प्लेन कपड़े पहने होते हैं उन्होंने, काफ़ी सिंपल येट स्टाइलिश जो होते हैं क्लासिक पीसेस वही पहने होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर यार लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, और अगर किसी और एक्टर पे आप देखना चाहते हो, किसी और सेलिब्रिटी पे आप देखना चाहते हो ऐसे वीडियो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।